एक महत्वपूर्ण अपडेट है और अंत तक बने रहें क्योंकि हम अपडेट से संबंधित एक दिलचस्प सवाल पूछेंगे। बाजार नियामक सेबी ने अपने धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार व्यवहार विनियमों को निषेध में संशोधन किया है। कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तनों में शामिल है जो जोड़ तोड़, कपटपूर्ण या अनुचित व्यापार व्यवहार के रूप में योग्य है उन्हें वक्रीकृत करना। अब तक ये किसी भी भौतिक या डिजिटल मीडिया के माध्यम से सूचना या सलाह को प्रसारित करने के लिए लागू होता है, जिससे प्रचारक जानता है कि वह झूठा भ्रामक है। और जब ऐसी जानकारी तैयार की जाती है या प्रतिभूतियों में निवेश करने वाले निवेशकों को निर्णय को प्रभावित करने की संभावना होती है। तो जैसे कि आप सभी से शुरुआत में वादा किया गया था, ये नए नियम भारतीय बाजार को कैसे लाभ और प्रभावित कर सकते हैं? अपने उत्तर कमेंट सेक्शन में साझा करें और अधिक ऐसे अपडेट के लिए लॉ वाइजर्स को सब्सक्राइब करें।